Let me take you straight to Kurukshetra. Let's listen in to BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi. देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिस प्रदेश ने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज यहां का किसान पानी के संकट को झेल रहा है। भाइयों बहनों, अगर यहां की सरकारों में दीर्घ दृष्टि होती, यहां की सरकारों में आने वाली पीढ़ी की चिंता करने का मंसूबा होता, आज मेरे हरियाणा का किसान तबाह नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता। भाई बहनों, ये नौजवान इतना जुस्सा आज मत दिखाओ यार, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। नौजवानों, में आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं। भाई बहनों, दुनिया में आज टूरिज्म विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला उद्योग है, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी मिलती है। टूरिज्म डेवलप होता है, रिक्शा वाला भी कमाता है, हैंडीक्राफ्ट वाला कमाता है, चाय बेचने वाला कमाता है, पकौड़े बेचने वाला कमाता है, मालाएं बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा, हर किसी को कोई एक व्यवसाय ऐसा हो जिससे सब लोगों को रोजगार मिलता है, वो है टूरिज्म। भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी जो महाभारत को जानते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र को भी जानते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की कभी न कभी इच्छा तो रहती है एक बार कुरुक्षेत्र जाएं और देखें तो सही, जहां धर्म का जय हुआ था वो जगह कैसी है। वो यहां मत्था टेकना चाहता है, यहां की रज अपने माथों पर चढ़ाना चाहता है। सारे दुनिया के लोगों को ये भी एक कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है, जिज्ञासा का केंद्र बन सकता है, दुनिया के लोगों को प्रभावित कर सके, ऐसा हम टूरिज्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विकसित कर सकते हैं। और अगर कुरुक्षेत्र में टूरिज्म विकसित होता है तो सिर्फ कुरुक्षेत्र का भला नहीं होता है, पूरे हरियाणा का भला होता है, पूरे हरियाणा का। लेकिन भाइयों बहनों, हेलो भाई साहब, हेलो, हटो यार। नौजवानों को रोजगार देने वाला एक काम यहाँ के लोगों को कभी अपना गांव छोड़ करके जाना ना पड़े, इतनी बड़ी विरासत क्या धनी है। लेकिन कभी भी कुरुक्षेत्र का टूरिज्म की दृष्टि से विकास नहीं हुआ। मैं कभी कभी भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट देखता हूं,
मुझे लगता है कभी तो कुरुक्षेत्र की बात आएगी, कभी तो कुरुक्षेत्र देखने के लिए लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। लेकिन पता नहीं यहाँ ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है कि उनको अपने उद्योग व्यापार के बजाय आपके विकास में जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनसे कभी भला नहीं होने वाला। भाई बहनों आप मुझे बताइए, आप सोना तो तिजोरी में रखते हो, चांदी तिजोरी में रखते हो, अरे कभी कभी पैसे भी तिजोरी में रखते हो, लेकिन कभी कोयला तिजोरी में रखा है? कोई अपने घर में कोयला तिजोरी में रखता है? कोई कोयला ताले में रखता है? नहीं रखता है। अरे घर के बाहर पड़ा रहता है, ठेला भरा पड़ा होता है, और माताएं बहनें जब जरूरत हो रही निकाल करके अपना चूल्हा जला देती है। कभी कोई कोयले की चोरी करता है? घर के बाहर कोयला पड़ा हो तब भी कोई कोयले की चोरी करता है? कोई करता है? भाइयों बहनों, ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की, कोयले की चोरी। इन्होंने कोयला भी नहीं छोड़ा। अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? जो कोयला नहीं छोड़ते भाई बहनों, ऐसे लोगों को आपने चुन करके भेजा है जो कोयला भी खा जाते हैं। और सीबीआई को दबाया जाता है, सीबीआई का दुरुपयोग होता है, और कांग्रेस के इशारे पर सीबीआई तय करती है